गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वीडियो पार्ट वन ऑफ क्लास 8 इंग्लिश एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2 मैंस रिलेशनशिप विद एनिमल्स एंड वी विल डू एक्टिविटी नंबर 1 एंड 2। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी द एक्टिविटी नंबर 1 फर्स्ट। सो दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 1 फ्रॉम यूनिट 2 मैंस रिलेशनशिप विद एनिमल। जो चैप्टर का नाम है उसमें आप देख रहे हो कि मैंस मीन्स ह्यूमन का जो रिलेशन होता है ना, बहुत आपने लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है एनिमल्स को अपने घर में पालते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं उनके घर में। कोई डॉग रखता है, डॉग तो बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं, हो सकता है आप लोगों में से कई लोग के पास होंगे डॉग होंगे, तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है। जैसा हम उनके साथ बिहेव करते हैं वैसे वो भी हमारे साथ बिहेव करते हैं, तो ऐसे ही है एक्टिविटी नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर ए। वंस देर वॉज एन अरब, एक बार की बात है, अरब था। अरब मीन्स अरब हम बोलते हैं जो गल्फ़ कंट्री में रहते हैं ना, सऊदी अरेबिया में, उनके वहाँ के लोगों को हम अरब कहते हैं। तो देर वॉज एन अरब हु ऑन्ड अ वेरी फाइन हॉर्स, जो क्या था, एक बहुत ही अच्छे घोड़े का मालिक था। द अरब ट्रिएटेड हिम विथ केयर एंड काइंडनेस, अरब जो है ट्रिएट मतलब व्यवहार करना, अरब जो है उसके साथ बहुत ही दया का भाव रखता था, उसका बहुत ध्यान रखता था। वन डे द अरब वॉज अटैक्ड बाई सम रोबर्स, रोबर्स मीन्स लुटेरे, है ना, लूटने वाले। एक दिन क्या हुआ, अरब के ऊपर जो है कुछ लुटेरे द्वारा अटैक किया गया, हमला किया गया। ही फेल ऑफ द हॉर्स, और वो घोड़े पर से जो है गिर गया। ही वॉज सो सीरियसली वाउंडेड, वाउंडेड मतलब चोटिल हो जाना, तो वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया, सीरियसली मतलब बहुत अधिक घायल हो गया, उसको ज़्यादा चोट लग गई। दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप, वो इतना घायल हो गया था कि वो उठने में भी सक्षम नहीं था, वो उठ नहीं पा रहा था। हिज हॉर्स सो दिस, और उसके घोड़े ने ये सब देखा। ही अंडरस्टूड दैट हिज मास्टर वॉज बेडली हर्ट, और वो समझ गया कि उसके मास्टर जो है, उसके मालिक जो है, वो बहुत बुरी तरह उनको चोट लग गई है। ही सीज्ड हिज मास्टर बेल्ट, सीज्ड मतलब दांत से पकड़ना, उसने क्या किया, जोर से दबा के जो है मास्टर का, अपने मास्टर का, मालिक का बेल्ट जो है वो दांतों में पकड़ा, बिटवीन हिज टीथ एंड ब्रॉट हिम होम, और उसे अपने घर लेके चला आया। पीपल हु सॉ दिस, है ना, जिन लोगों ने ये सब चीज़ें देखी, प्रेज्ड बोथ, दोनों को शाबाशी दिया, पीठ थपथपाई दोनों की, द हॉर्स एंड हिज मास्टर, घोड़े और उसको उसके मालिक की पीठ थपथपाई। तो आपने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो बहुत लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। तो यहाँ पर एक वफादारी की ही, लॉयल्टी की ही एक कहानी आपने देखी। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको देखते हैं। हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर, हॉर्स ने अपने मालिक की मदद कैसे की। तो इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन। सो आंसर इज ही अंडरस्टूड दैट हिज मास्टर वॉज बेडली हर्ट, उसने देखा कि उसके मास्टर जो है बहुत बुरी तरह हर्ट हो गए, चोटिल हो गए। देन ही सीज्ड हिज मास्टर बेल्ट बिटवीन हिज टीथ एंड ब्रॉट हिम होम, इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, वट डज द इंसिडेंट कन्वे, कन्वे मतलब किस तरफ, ये जो घटना है आपको किस तरफ ले जाती है, क्या शिक्षा देती है अबाउट मैन एनिमल रिलेशनशिप, है ना, एक ह्यूमन और एनिमल्स की रिलेशनशिप के बारे में आपको इस कहानी से क्या पता चलता है। तो हम लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कुछ आंसर जो आपको समझ में आता है। हम ये जानते हैं कि जो है एक अच्छा बॉन्डिंग होता है ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो जैसे हम लोग बिहेव करते हैं एनिमल से, जो ह्यूमन जो है एनिमल से जैसा बिहेव करता है ना, सेम उसका रिप्लाई में जो है एनिमल्स भी जो है वो ह्यूमन के साथ जो है सेम रिप्लाई करते हैं। तो आंसर तो आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आपको कोई और आंसर सूझता है तो आप उसको लिख सकते हो। सो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। तो ये आपकी एक्टिविटी 1 का बी है। तो लेट्स रीड, शेयर विद द क्लास द स्टोरी ऑफ राणा प्रताप, चेतक एंड हिज लॉयल्टी। तो आपको जो है अपनी स्टोरी पहले भी सुनी होगी, राणा प्रताप का एक घोड़ा था, उसका नाम चेतक था। तो हिंदी में एक पोयम भी आती, बहुत फेमस पोयम है ना, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ऐसी पोयम है। तो आपको मैं स्टोरी बताता हूँ कि ये स्टोरी क्या है। तो आप वीडियो के साथ साथ में जो है कुछ पिक्चर्स भी देखेंगे ताकि आपको थोड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे, आपको समझ में अच्छी तरह आए।
राणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के राजा थे, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, जो राजस्थान रीजन में आता है, राजस्थान में आता है। तो इज अ राजपूत किंग, वो राजपूत राजा थे। तो उनके पास एक भाला था, एक वेपन आता है ना हाथ में पकड़ने का, भाला जो था ना वो बहुत वजनदार था, वो करीब 225 केजी का ऑलमोस्ट था। तो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे। तो उनके साथ में एक घोड़ा था चेतक, जो बहुत लॉयल था राणा प्रताप के अकॉर्डिंग, राणा प्रताप की बहुत देखरेख करता था, राणा प्रताप भी उसकी बहुत देखरेख करते थे। तो जो घोड़ा था वो उसकी आगे जो है ना हाथी का सूंड आता है उसके उसी टाइप का जो है लोहे की जो है एक परत बनाई हुई थी, ताकि लोग जो है युद्ध में समझ ना पाए कि ये घोड़ा है या हाथी है। और चेतक जो था ना वो इतनी लंबी छलांग मारता था कि सामने अगर कोई हाथी बैठा हो, हाथी पर बैठा हो तो राणा प्रताप जो है उस चेतक पे बैठे बैठे ही उसको क्या करते थे, उस पर हमला कर देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ, एक मुग़ल एम्परर था अकबर, उसने जो है मेवाड़ पर हमला किया। वैसे तो उसने कई बार हमला किया था, भारत के कई प्रदेशों पर हमला किया था, लेकिन मेवाड़ पर जब उसने हमला किया तो राणा प्रताप ने उसके साथ युद्ध किया, और वो युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, पानीपत बैटल कहा जाता है उसे। तो उस युद्ध में जो है पहली बार तो राणा प्रताप ने उसे जीत पा ली, उसको भगा दिया यहाँ से, उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो एक कहानी है कि राणा प्रताप क्या नाम है अकबर का एक सेनापति था, और वो हाथी पर सवार होकर के आया था। तो चेतक ने जो है ऐसी छलांग लगाई कि उसका जो पैर था ना वो हाथी के सर तक पहुंच गया, और महाराणा प्रताप ने उसको अपने तलवार से जो है ऐसे मारा कि उस सेनापति और वो हाथी दोनों ही घायल हो गए और दोनों ही जो है मर गए। तो ऐसी उसकी बहादुरी थी। एक और किस्सा था, वापस जो है पानीपत का युद्ध हुआ, और जो है अकबर जो है बहुत बड़ी सेना लेके आया, और उसमें जो है महाराणा प्रताप को बहुत नुकसान हुआ, उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो जो उनके सेनापति थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने बोला कि महाराणा प्रताप आप जो है यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि आप अगर आपको कुछ हो जाएगा तो अकबर के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा बाद में। तो फिर वहाँ से जो है राणा प्रताप जो है वहाँ से चेतक जो है राणा प्रताप को वहाँ से लेके निकला, और चेतक को जो है उस युद्ध में चोट लग गई थी, उसके पैर में जो है बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था पैर से, तो भी वह जो है वहाँ से जो है राणा प्रताप जी को लेके निकला। तो ऐसी स्टोरी है कि एक बीच में जो है एक बहुत बड़ा नाला था, और वो चेतक ने जो है उस अपने घायल था तो भी वो जो है राणा प्रताप जी को, वो जानता था कि अगर मैं नाले की इस तरफ रह गया तो राणा प्रताप जी को चोट लग सकती है। तो वो जो है घायल था, उसके बाद भी जो है उसने छलांग लगाई और राणा प्रताप जी को लेके चला गया। तो ऐसी स्टोरी थी। तो आपने राणा प्रताप जी के बहुत सारे मोनूमेंट भी देखे होंगे, स्मारक देखे होंगे, आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। तो ये थी राणा प्रताप जी की स्टोरी।